कम कर दिया जाए अर्थात अल्प दाब हो, 0.001 mm से 0.003 mm तक। और यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया जाता है वो हाई वोल्टेज हो, HV लगभग 10,000 वोल्ट हो। तो देखा गया कांच की एक विसर्जन नली हो, एक सिरे पर एनोड हो, दूसरे सिरे पर कैथोड हो, अल्प दाब पर इनके बीच उच्च प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या देखने को मिलता है, ऋण प्लेट से ऐसे एक किरण निकलती है जो किसकी तरफ चलती है, एनोड की तरफ चलती है, इन्हीं किरणों को कैथोड किरण कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं। तो पूरी कहानी फिर से समझिए, कांच की एक विसर्जन नली हो, एक तरफ एनोड लगा हो, दूसरे तरफ कैथोड लगा हो, अंदर अल्प दाब हो अर्थात 10^-3 mm ऑफ HG हो, तो उच्च प्रबलता हाई वोल्टेज की विद्युत धारा इनके बीच जब प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड की तरफ चलती हैं, ये प्रकाश जब इस नली की दीवार पर पड़ता है तो हरे पीले रंग का कब जब दीवार पे पड़ता है तब हरे पीले रंग का प्रदीप्त उत्पन्न होता है, इन्हीं किरणों को कैथोड किरण कहा जाता है। ये 1897 में जे.जे. थॉमसन का ये अंतिम प्रयोग आया था। तो कांच की एक विसर्जन नली में कैथोड किरण कैसे पैदा हुआ ये कहानी आपने देखा। हम अब आपको बताने चल रहे हैं कैथोड किरणों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए देखते हैं कैथोड किरणों के गुण। पहला है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें ध्वन कैसे चलता है तो आप कहोगे ध्वन सभी दिशाओं में चलता है, उसी प्रकार कैथोड किरण कैसे चलता है तो हम कहते हैं सीधी रेखा में चलता है। अगर आप कहते हैं सर कैसे सिद्ध करोगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तो आओ इसका पता लगाते हैं। कैसे सिद्ध करोगे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, तो इस तरफ अभी हमने कहा था ये क्या है, इधर कैथोड है, इधर एनोड है और इसी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, मान लिया जाए एक वस्तु ऐसे रखा जाता है जो अपारदर्शी उच्च गलनांक के धातु का बना हुआ है, इसी के कैथोड किरणों के सामने अगर ये रखा जाता है ये अपारदर्शी है, तो आप देखेंगे जब ये प्रकाश की किरणें आती हैं तो इसकी एक प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पर बन जाती है, क्या बन जाती है, छाया, परछाई, साइडो। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो किरणें सीधी रेखा में आ रही थी इसके रास्ते में कोई वस्तु अपारदर्शी रख दिया गया तो इसकी छाया बन जाती है
परछाई बन जाती है। इससे सिद्ध होता है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अगर सीधी रेखा में न चलती, कैथोड किरणें भी मुड़ जाती, तो यहाँ पर छाया नहीं बनता। तो कैथोड किरणों के रास्ते में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो कैथोड किरणों अपारदर्शी वस्तु की प्रतिबिंब या छाया सामने बन जाती है। इससे सिद्ध होता है कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा गुण हम देखते हैं। दूसरा गुण क्या है? कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? कैथोड किरणों के रास्ते में यदि किसी छेपड़ी पहिया को रख दिया जाता है, छेपड़ी पहिया माने नाचने वाले किसी भी संयंत्र को, जिसको आप फिरकी भी कह सकते हैं। यहाँ पर वायरिंग लगा हुआ है और ये कैथोड किरण यहाँ से आ रही है। कैथोड किरण के पथ में यदि किसी घूमने वाले या नाचने वाले फिरकी या पहिया को रख दिया जाता है, तो कैथोड किरण इनको क्या करता है? घुमा देता है। मतलब कैथोड किरण के रास्ते में जब किसी घूमने वाले वस्तु को रख दिया जाता है, तो यह वस्तु नाचने लगता है। इससे सिद्ध होता है कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। कैसे आप देख रहे हैं कि अगर ये छोटे छोटे कण हैं, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे कण हैं, एक एक कण जब यहाँ पे आता है, इनसे टकराता है, इनको नचाता है, ये कण आगे चला जाता है और ये नाचता रह जाता है। इसी प्रकार से दूसरा कण आएगा, इनसे टकराएगा, इनको नचाएगा, खुद निकल जाएगा और ये नाचता रह जाएगा। इसी प्रकार से एक के बाद एक कण आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, इनको नचाते रहेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरण ऐसे किरण नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई किरण है। और यही कण आके टकराते हैं, इनको नचाते हैं। इससे सिद्ध होता है कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट अब हम देखने चलते हैं। कैथोड किरण ऋण आवेशित होती हैं। क्या चीज है? कैथोड किरण ऋण आवेशित होती हैं। अब ये कैसे जानोगे कैथोड किरण ऋण आवेशित होती हैं? इसके लिए भी आइए पता लगाते हैं। तो फिर वही एक विसर्जन नली लेते हैं। ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र लगा दें, ऊपर की दिशा में ऋण आवेश और नीचे की दिशा में धन आवेश। और जब यहाँ से उच्च प्रबलता की विद्युत धारा निकलेगी, तो ये देखने को मिलता है
कैथोड किरण ऋण प्लेट की तरफ, ये कौन सा है, ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है, कैथोड किरणों को जब वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो कैथोड किरणें ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें धन प्लेट की तरफ, ये कैसा आवेश है, धन प्लेट, तो कैथोड किरण धन प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं और जब ये धन की तरफ मुड़ जाती हैं तो इससे साबित होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, क्योंकि ऋण और धन में ही आकर्षण बल लगता है, अतः सिद्ध होता है कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। चौथा गुण आता है, कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, यदि इसी विसर्जन नली में कैथोड किरण पैदा हों और यहाँ पर धन हों, यहाँ पर ऋण हों, इसके अंदर अगर कोई गैस भरी हो तो अगर ये कैथोड किरण चलती है तो गैसों को आयनित कर देती है। पांचवा गुण आता है, कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब ये कांच की दीवार से टकराती हैं तो हरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, अगर यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगी होगी तो फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश के द्वारा काला पड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। अगला गुण आता है, कैथोड किरण एक्स किरण उत्पन्न करती है, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें क्या आपने एक्सरे देखा है तो हर बच्चा हाथ उठाता है कि हाँ मैंने एक्सरे देखा है, लेकिन आज तक जितने उम्र तक मैंने स्वयं नहीं एक्सरे देखा है, क्या चीज, एक्सरे। अगला गुण है, कैथोड किरणें एक्सरे पैदा करती हैं, तो क्या आप लोगों ने एक्सरे देखा है, नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि नहीं मैंने तो एक्सरे देखा है, तो बच्चों आपने एक्सरे नहीं देखा है, आपने देखा है तो एक्सरे द्वारा खींचा गया फोटोग्राफिक प्लेट, जो आपकी हड्डी वड्डी टूटती है वो लेकर के आते हो, ये एक्सरे, इट इज नॉट एक्सरे, इट इज फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखिए एक्सरे है क्या, ये कैथोड किरण ही एक्सरे पैदा करता है, इसी से वो हड्डी वड्डी टूटने पर फोटो डॉक्टर वगैरह खींचते हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा एनोड, यहाँ पर आपको लगाना होगा कैथोड, और यहीं पर एक उच्च गलनांक का कोई धातु का ऐसे प्लेट लगाना होगा जिस पे आपकी कैथोड किरण टकराएं, ये अपारदर्शी होगा, इसको हमारे एक्स किरण कैथोड किरण इसको भेद करके निकल ना पाएं, ना इस पर पड़ करके इनको गला सकें, तो हम कहेंगे कि उच्च गलनांक का कोई धातु का प्लेट यहाँ पे लगा दिया जाए, जब कैथोड किरण यहाँ से आके टकराती हैं तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी, इसको कहते हैं कैथोड किरण, इसको कहते हैं एक्स किरण, दैट इज एक्स रे। इन दोनों में क्या अंतर है, इनका तरंग दैर्ध्य इनकी आवृत्ति दूसरी होगी और इनका तरंग दैर्ध्य इनकी आवृत्ति दूसरी होगी, अर्थात कैथोड किरण जब किसी उच्च गलनांक वाले धातु की सतह पे पड़ती हैं तो वहाँ पर एक्स किरण उत्पन्न होती है, यही एक्स किरण का प्रयोग हम लोग हड्डियों के टूटने पर उसके द्वारा फोटो खींचते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो ये सब वहाँ पर एक कैथोड किरण ही पैदा किया जाता है। अगला गुण आता है, कैथोड किरणें अगर इसी के सामने बहुत पतली फिल्म बहुत पतली पन्नी रख दिया जाए तो कैथोड किरणें धातुओं की पतली पन्नी को भेद करके आर पार चली जाती हैं, ये आठवां गुण हो गया। नौवां गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा,
कैथोड किरणों के विशिष्ट आवेश का मान, व्हाट इज द विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश कहा जाता है आवेश बटा द्रव्यमान को, अर्थात E बाई एम। कैथोड किरणों के विशिष्ट आवेश का मान नियतांक होता है यह विसर्जन नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कैथोड किरण जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं वही छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उन कणों का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और उन कणों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। इनका अनुपात एक नियतांक आता है, चाहे जो गैस विसर्जन नली में भरी जाएगी लेकिन हर स्थितियों में कैथोड किरण के जो कण होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका आवेश इतना ही होगा और उनका द्रव्यमान सदैव इतना ही आएगा, इसलिए इन दोनों का अनुपात एक नियतांक हमेशा आएगा। विसर्जन नली में चाहे जो गैस भरी जाए वो विसर्जन नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आज आपने देखा कैथोड किरण क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है। तो आपने देखा जे जे टॉमसन 1897 में इसी कैथोड किरण के उत्पत्ति के माध्यम से बताया था, कैथोड किरण जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं वही छोटे छोटे कण ही इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना कूलाम होता है और उनका द्रव्यमान इतना होता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम जे जे टॉमसन है। इस प्रकार से अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रोटॉन कैसे पैदा होता है, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, किस प्रकार से प्रोटॉन उत्पन्न हुआ है वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।